सीबीआई हेडक्वार्टर में मनीष सिसोदिया का मेडिकल करवाया जाएगा। मेडिकल के लिए सीबीआई मुख्यालय में टीम पहुंच चुकी है। मेडिकल के बाद मनीष सिसोदिया की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है। हालात को देखते हुए सिसोदिया की वर्चुअल पेशी भी संभव है। सोर्सेज के हवाले से यह खबर आ रही है कि हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उनको कोर्ट में पेश किया जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आज पूरे देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है और आज दोपहर 12 बजे उनका ऐलान था कि वो बीजेपी मुख्यालय के सामने बड़ा विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएगी। और इसको देखते हुए दिल्ली में कई जगहों पर, खासतौर पर बीजेपी के दफ्तर के बाहर और आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर, वहां पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ वहां पर अर्धसैनिक बलों की भी वहां तैनाती कर दी गई है। और हालात को देखने के बाद यह फैसला लिया जाएगा कि क्या मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा या फिर वर्चुअल वो पेश होंगे। चलिए इसी खबर पर हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं जो कि सीबीआई मुख्यालय से जुड़ रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के दफ्तर से अभिजीत ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शालिनी वाजपेयी हमारे साथ जुड़ रही हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर से, बीजेपी मुख्यालय से आनंद पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, श्रद्धा चतुर्वेदी हमारे साथ सिसोदिया के घर से जुड़ रही हैं, पुनीत शर्मा हमारे साथ राउज एवेन्यू कोर्ट से जुड़ रहे हैं, और भोपाल से हमारे साथ शुभन गुप्ता भी होंगे जहां पर आम कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए चार तस्वीरें आप देखिए, सिसोदिया की आज कोर्ट में पेशी होने वाली है और आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो चुका है। सीबीआई मुख्यालय पर सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी कर दी गई है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया हुआ है कि आज पूरे देश भर में वो प्रदर्शन करेगी। और इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो भी सुनिए। क्या कोई नया सबूत मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ मिला है? ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। सारी फाइलें सीबीआई के पास हैं, सारी नोटिंग फाइल सीबीआई के पास हैं, कुछ नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात जो अखबारों में मुझे पता चली वो ये थी, वो कह रहे हैं साहब जो ये पॉलिसी बनाई गई इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। ये सब लोग जानते हैं कि ये पॉलिसी अगर किसी ने अप्रूव की है तो अनिल बैजल साहब हैं, एलजी साहब हैं, जिनको केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है। उन्होंने इस पॉलिसी को अप्रूव किया और उन्होंने इस पॉलिसी को नोटिफाई किया। सीबीआई क्या? बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रवेश वर्मा हमारे साथ हैं। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया आबकारी घोटाले में और ये कहा कि जांच में मनीष सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे थे, जिन सबूतों को लेकर उनसे सवाल पूछे जा रहे थे उसके जवाब नहीं दे रहे थे ठीक से। देखिए, एक तो ये दिल्ली की जनता की बहुत बड़ी जीत है। मैं सीबीआई को और सारी जांच एजेंसी जो भी इसमें शामिल थे, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में आज इस पॉलिसी के मास्टरमाइंड को पकड़ा। और इनके जो सुपर बॉस है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उनके पास में कोई भी विभाग ही नहीं है, उनके कोई भी फाइल के ऊपर में साइन नहीं है, इसलिए वो हमेशा बच जाते हैं। इसलिए मेरा इनके बाकी जो मंत्री बचे हैं अभी, उनको ये सुझाव है कि आप किसी भी फाइल पर साइन मत कीजिए और पहले, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के साइन कराइए, क्योंकि आगे कोई भी घोटाले में अरविंद केजरीवाल आपको फंसा सकते हैं और जेल आपको जाना पड़ेगा और वो कहेंगे मैं आपके परिवार की सारी चिंता करूंगा। ये जो सारा ड्रामेबाजी चल रही है एक दो दिन से, कल हमने देखा कि एक बार भी आम आदमी पार्टी ने किसी भी चैनल पर ये नहीं कहा कि हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी थी, उन्होंने अपनी पॉलिसी को एक बार भी डिफेंड नहीं किया। और सीधे रुक करते हैं जितेंद्र शर्मा का जो कि सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर खड़े हैं। जितेंद्र, किस तरीके से पेशी होगी, क्योंकि सोर्सेस कह रहे हैं कि हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको पेश किया जाए। जी बिल्कुल, अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सिसोदिया को फिजिकली कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा और जिसकी तैयारियां लगभग सीबीआई हेडक्वार्टर पर शुरू कर दी गई हैं। मैं चाहूंगा कैमरामैन निरंजन आपको तस्वीरें दिखाएं। ठीक सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से सीबीआई हेडक्वार्टर के आसपास का जो दायरा है, अगर कहा जाए तो 500 मीटर का जो दायरा है उसको पूरे तरीके से खाली करवा दिया गया है। किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती कर दी गई है, यानी कि जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसकी संख्या बढ़ाई गई है। इसके अलावा ये देखिए किस तरीके से जो दिल्ली पुलिस वो भी यहां तैनात की गई है, और हाल ही में जिस तरीके से हलचल दिखाई दे रही है और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक तकरीबन 2 बजे के बाद मनीष सिसोदिया को सीबीआई हेडक्वार्टर से निकाला जाएगा। आपसे कुछ देर पहले सीबीआई हेडक्वार्टर के अंदर उनका मेडिकल टेस्ट करवाया गया है। तैयारी कर ली गई है, मनीष सिसोदिया को फिजिकली पेश किया जाएगा।